नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी बातों पर। देखिए लगातार जिस तरीके से मतगणना जारी है और उसके साथ ही आंकड़े आना शुरू हो चुके हैं, इसे रुझान के तौर पर देखा जा रहा है और ये रुझान अब बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और काफू के उच्च कहते हुए नजर आ रहे हैं। शोभित आपको बता दूं कि अमित शाह ने गांधीनगर से जीत हासिल कर ली है, जीत यहाँ पर उन्होंने दर्ज की है। 5 लाख से ज्यादा वोटों से अमित शाह जीते हैं और इस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यूपी में एक बड़ा सियासी उलटफेर सामने आ रहा है और इस पर हम भी बात कर रहे थे और क्योंकि अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पर बात करती हुई नजर आ रही है कि कुछ चूक रह गई, कुछ कमी रह गई। हालांकि मौसम को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। सपा को 35 और कांग्रेस को 8 सीटों पर बढ़त मिली है। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा सकता है क्योंकि ये जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं इन्हीं आंकड़ों की वजह से सपा तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर बनकर उभर रही है और जिस महत्वाकांक्षा के साथ लगातार सपा काम कर रही थी कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि अभी नतीजे आना बाकी है। वही आपको बता दूं कि बीजेपी को 34 और RLD को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। ये अब तक के आंकड़े रुझान में आपको बता रही हूँ। मेरठ में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला है। अरुण गोविल 5,000 से ज्यादा वोटों से पीछे हैं और इसके साथ ही बता दें कि कन्नौज में अखिलेश यादव हालांकि आगे चल रहे हैं। साख की बात थी, माना भी जा रहा था कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होता नजर भी आ रहा है। मैनपुरी पर भी कहीं ना कहीं निगाहें बनी हुई थी और मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। फिरोजाबाद में अगर बात की जाए तो अक्षय यादव आगे चल रहे हैं, यानी कि यादव परिवार पर भी नजर बनी हुई थी और अक्षय यादव आगे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रही हूँ मैं। इसके साथ ही आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आगे हैं। कानपुर में बीजेपी का दबदबा लगातार बरकरार है। ये जो इलाका है कानपुर का ये बीजेपी का माना जाता है और इस बार भी कुछ इसी के मुताबिक नतीजे सामने आ रहे हैं। नतीजे तो कहना अभी गलत होगा लेकिन रुझान सामने आ रहे हैं। कानपुर और अकबरपुर सीट पर बीजेपी का दबदबा इस बार भी देखा जा रहा है। कानपुर से बीजेपी के रमेश अवस्थी आगे हैं और अकबरपुर से बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले आगे चल रहे हैं। अमेठी की बात कर ली जाए तो अमेठी में किशोरी लाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अमेठी में किशोरी लाल आगे चल रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी जिन्हें सोनिया गांधी ने उनकी मां ने रायबरेली की जनता को सौंपा था और हाथों हाथ जनता ने राहुल गांधी को लिया है, 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। आंकड़ों से ये कहना गलत नहीं होगा।